हाय दोस्तों, ये एक फीचर फ़ोन है जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। ये 499 रुपीस का है, बहुत कम प्राइस का है और हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए हाई सेल बोल के है इसका नाम, शायद ये चाइना पीस है, चाइना का फ़ोन है। देखिए बहुत बेहतरीन फ़ोन है, डब्बा तो बेहतरीन है, फिर अंदर फ़ोन कैसा देखेंगे। और इसके अंदर 1.8 इंचेस का डिस्प्ले है, बिग बैटरी बोल के दिया गया है, डिजिटल कैमरा है, डुअल सिम है, म्यूजिक है, म्यूजिक प्लेयर है, FM रेडियो है, एक्सपेंडेबल 16 GB मेमोरी कार्ड से इसमें डाल सकते हैं आप लोग, गेम्स है, टॉयलेट है, इंटरनेट है और वीडियो प्लेयर है। वो हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे कम्प्लीटली। देखिए हाई सेल कंपनी का है ये फ़ोन है, येलो कलर में बहुत बेहतरीन दिख रहा। ये इसके अंदर क्या क्या है देख, अब हम इसके अंदर क्या क्या है देखिए। अंदर में एक चार्जर है और एक बैटरी है, और फ्लिपकार्ट वाले तो बताए कि इसके अंदर हेडफोन्स भी आते बोल के, लेकिन हेडफोन्स नहीं है इसके अंदर। हम उसको बैटरी लगा के ऑन करेंगे मोबाइल को और देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर फीचर्स। देखिए इधर कैमरा दिया गया है, यहाँ स्पीकर है, सामने तो नॉर्मल ही है, यहाँ पर टॉर्च लाइट है ऊपर में। इसके अंदर बैटरी डालेंगे। देखिए इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, दो सिम के स्लॉट से। देखिए ऑन हो रहा है, बहुत बारीक है साउंड, ज्यादा कोई साउंड नहीं है। देखिए इसके अंदर फोन सेटिंग, सिक्योरिटी है, यूज़र मैनुअल, यूज़र प्रोफाइल है, मीडिया में FM फाइल मैनेजर है, ऑडियो प्लेयर है, कैमरा है, कैमरा देखेंगे कैसा है। देखिए कैमरा VGA कैमरा, नॉर्मल कैमरा है, चलेगा। और यहाँ गेम्स है, यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज में सिम नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, इंटरनेट भी इसमें चलेगा। ओके दोस्तों, ये था एक छोटा सा 500 रुपये वाला फ़ोन का रिव्यू, मैंने जो फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। अगर आपके वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।